सो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। आइए सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो गाइस बढ़िया ही रहना। एंड गाइस हमारे गेम में आ चुका है मस्सा इवेंट, जिसमें गाइस बहुत सारे हमारे रेयर रेयर रिमोट जो है रिटर्न आ गए हैं। जैसे ये भूत वाला इमोट आया है, एंड जो सबसे ज़्यादा मेन है गाइस वो रोज़ वाला इमोट आया है, जो कि यार बहुत सारे लोगों का मनपसंद है। एंड बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो उनकी आईडी में भी हो। तो गाइस वीडियो को देखते रहना पूरा एंड तक, क्योंकि इस वीडियो में बताने वाला हूँ वन स्पिन ट्रिक, और कोई ऐसी वैसी ट्रिक नहीं बताने वाला कि भाई काम ना करे तुम्हारा, फेंक बता रहा हूँ कुछ भी, ऐसी बिल्कुल नहीं गाइस। इस वीडियो में 100% रियल एंड यूजफुल ट्रिक बताने वाला हूँ, जिसको यूज़ करके ना मैंने अपनी आईडी में रोज़ वाला इमोट निकाला था, बुइया वाला इमोट निकाला था, एक कट्टे की स्किन निकाली थी, और एक ड्रैको एक की निकाली थी, ईवो की M40 तो नहीं निकाली थी, वो तो मैंने फुल डायमंड में निकाली थी। बाकी मैंने बहुत सारी चीज़ें यार मैं तुम्हें गिनवाने बैठ जाऊँगा ना, 20-30 आइटम रेयर आइटम, 30 रेयर आइटम ना, जर्सीज जितनी थी ना वो सारे के सारे मैंने 200-500 डायमंड के अंदर निकाले हैं, ठीक है। बन स्पिन नाम की तो कोई ट्रिक ही नहीं होती, पहली बात तो मैं बता देता हूँ। बन स्पिन में तो बहुत ज़्यादा हार्ड है, बन स्पिन में तो निकलेगा ही नहीं, बट हाँ 200-500 या 1000 डायमंड के अंदर तुम्हारा पूरा का पूरा इवेंट निकल के आ जाएगा। मतलब जितने भी रेयर आइटम है ना, उसमें से तुम्हें एक ना एक या दो रेयर आइटम जरूर से मिल जाएंगे, ठीक है। तो गाइस मैं तुमको बताऊंगा पूरा ट्रिक, तो बस देखते रहना पूरी वीडियो को एंड तक। एंड ये वाला इमोट भी तुम देख सकते हो, तो चेयर वाला इमोट भी मैंने इसी ट्रिक से निकाला था। तो गाइस बस वीडियो को देखते रहना पूरा एंड तक, बस पूरा पता चल जाएगा आपको, मस्त ट्रिक होने वाली है। बस एक एक स्टेप फॉलो करना और स्पिन मारना अगर तुम चाहते हो कि भाई ये इवेंट तुम्हारा कम से कम डायमंड में निकल के आ जाए, तो भाई बस ठीक है पूरी वीडियो को देख के फिर स्पिन मारना, जो जो मैं ट्रिक बताऊंगा। अगर तुम्हारा इवेंट 5-6 डायमंड में निकलता है ना भाई, यही इवेंट तुम्हारा 1000 में निकल के आ जाएगा। अगर तुम्हारा आईडी का लक तुम पूरा दिन खेलते हो तो भाई लगभग 1500-2000 डायमंड लगते हैं, 1500-2000, तो ये निकल के आ जाएगा तुम्हारा 500 के अंदर, ठीक है। तो भाई ये है गाइज बस पूरा ट्रिक। तो गाइज ट्रिक स्टार्ट करने से पहले यार एक ही चीज़ की तुमसे रिक्वेस्ट है यार, हमेशा की तरह भाई चैनल पे नए आए तो वीडियो भी देखते हो, मज़ा भी आता है वीडियो देखने में, बट यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो भाई ऐसा मत करा करो, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और जो नोटिफिकेशन का आइकन है ना उसको ऑल पे सेट कर देना। चलो गाइस फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ट्रिक ऐसी है हमारी, सबसे पहले तुमको क्या करना है, तो गाइस ट्रिक कुछ ऐसी है कि भाई सबसे पहले तुमको वो करेक्टर अपने सेलेक्ट करना है, और पहले बता दूं गाइस ये फेक नहीं है बिल्कुल भी, मैंने खुद ये यूज़ करी है, मैं तुमको 100% रियल बता रहा हूँ। तो गाइस सबसे पहले तुमको करेक्टर वो सेलेक्ट करना है जो कि तुमने बहुत दिनों से जिसके साथ तुम नहीं खेले हो। जैसे मेरा फोर्ड करेक्टर है, मेरा फेवरेट करेक्टर है, क्योंकि इससे मेरे सारे के सारे इवेंट निकल आते हैं, ठीक है। वो तुमको ले लेना है, कोई भी फ्री के कपड़े लगा लेना जो कि फ्री में मिले हो। मेरा मछली है तो भाई मैंने मछली लगा रखी है। एंड यहाँ पर जो भी तुम्हारे हाथ में तुमने गन इक्विप कर रखी होगी उसको हटा देना, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर थॉमसन की स्किन भी आज इसी ट्रिक से निकाली है, पिछली वाली वीडियो मैंने तुम्हें बताई थी। एंड इवेंट के सारे अपडेट में 100% रियल बताता हूँ, मैंने बोला था कि भाई वो आएगा, क्या बोलते हैं, थॉमसन का इंक्लूवेटर आएगा, तो भाई वो आ गया, ठीक है। थॉमसन ये हटा लेते हैं, इक्विप ऐसे तुमको हटा देनी है। और तुम क्या क्या कर रहे हैं, ये सारी की सारी स्किन जितनी भी तुम्हारी आईडी में ना, सबका डिफॉल्ट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जितना भी आइटम है सारे का सारा डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर लेना है, और जैसे तुम सारी गन स्किन डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर लोगे ना, फिर तुमको क्या करना है, यहाँ से तुमको अपने सारे कपड़े, मतलब कपड़े वगैरह तो वो लगा लेने एकदम नूबड़े, फिर तुमको जाना है पैट वाले सेक्शन में। पैट जो भी तुमने इक्विप कर रखा होगा उसको हटा देना, ठीक है। मैं हटा नहीं रहा हूँ, बट हाँ मेरा तो ऑलरेडी हटा ही पड़ा है, तो भाई तुम हटा देना, जितने भी तुमने पैट लगा रखा हो, मतलब जो भी तुमने पैट लगा रखा हो उसको अनइक्विप कर देना। फिर तुमको क्या करना है, फिर तुमको जाना है ग्राफिक्स वाली सेटिंग में, ठीक है। ग्राफिक्स वाली सेंसिटिविटी को रीसेट कर देना है, ठीक है, सेंसिटिविटी को रीसेट कर देना है। फिर जाना है तुमको बेसिक्स वाली सेटिंग में, क्लियर कैचेस करके सेंड रिपोर्ट कर देना, ठीक है। फिर जाना है तुमको ग्राफिक्स में स्मूथ कर देना है, एंड ये जो साइड में FPS होते हैं ना गाइस, FPS इसको भी तुमको क्या करना है, एकदम नॉर्मल कर देना, मतलब एकदम कम कर देना है। मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरी वीडियो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ये 60 FPS पर रिकॉर्ड हो रही है, तो भाई ये वीडियो ही ख़राब हो जाएगी पूरी, तो भाई ऐसा कर देना तुमको, ठीक है। फिर तुमको क्या करना है, यहाँ पे कुछ ही नहीं करना, अभी तुमको सारा का सारा तुम्हारा काम हो गया है, ठीक है। बैकपैक वगैरह सब कुछ हटा देना, कलेक्शन में ये बोल रहा हूँ कि सारा हटा देना, सारे इमोट हटा देना, सारी गन स्किन वगैरह सब कुछ हटा देना। फिर तुमको क्या करना है, आईडी को कर देना है लॉग आउट, लॉग आउट करना है, सीधा गेम बंद नहीं करना। जैसे ही तुम आईडी लॉग आउट कर दोगे, जैसे मैं कर रहा हूँ गाइस यहाँ पे, तुमको ऐसे ही अपनी आईडी को लॉग आउट कर देना। फिर लॉग आउट करके क्या करना है, तुमको अपनी मेन स्क्रीन पे आना है मोबाइल की। तो जैसे ही तुम मेन स्क्रीन पे आ जाओगे, यहाँ पर तुमको अपनी गेम की ऐप इन्फो में जाना है। ऐप इन्फो में जैसे ही तुम दबा दोगे, फिर तुमको क्या करना है, यहाँ पर नोटिफिकेशन वाला साइन वो मिलेगा सबसे पहले सेटिंग। तो गाइस इसको ये तुम्हारी इस तरीके से ऑन होगी, इसको कर देना ऑफ। फिर तुमको क्या करना है, परमिशन वाली सेटिंग में जाना है, यहाँ पर माइक्रोफोन की परमिशन जितनी भी अलाउ होगी उसको कर देना डोंट अलाउ। फिर तुमको करना बैटरी वाले सेक्शन में जाना है, कुछ नहीं करना बैटरी वाले में।
यहाँ से बैटरी वाले में जाने के बाद फोर्स स्टॉप कर देना, ठीक है, ये कर देना। फिर जाना गाइस तुमको डाटा यूजेस में, ये बैकग्राउंड डाटा नाम की सेटिंग तुम्हारी इस तरीके से ऑन होगी, इसको कर देना ऑफ। फिर तुमको जाना है स्टोरेज वाले सेक्शन में, क्लियर कैचेस कर देना, ऊपर वाला क्लियर डाटा मत कर देना, पूरा डाटा उड़ जाएगा, ठीक है। तो भाई क्लियर कैचेस करना है, ध्यान से सुन लेना, यही है। फिर तुमको क्या करना है, यहाँ से आपसे ऊपर टॉप में तीन बटन दिख रहे होंगे, ओपन, फोर्स स्टॉप एंड अनइंस्टॉल। तो यहाँ पर तुमको फोर्स स्टॉप पे क्लिक करके ऐप को कर देना फोर्स स्टॉप। अभी गाइस तुम्हारी 100% ट्रिक, 50% ट्रिक जो है ये अप्लाई हो चुकी है। फिर तुमको क्या करना है, 24 घंटा ऑफलाइन रहना है, 24 घंटा ऑफलाइन रहना है। जैसे आज तुमने ये करा, जैसे अभी टाइम हो रहा है 2:28, तो भाई तुमको अगले दिन की 2:30 पे गेम ओपन करना है, या इस तरीके से तुमको गेम ओपन करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। तो मैं तुमको दिखा देता हूँ साथ साथ करते हुए, ठीक है। तो भाई सारे के सारे ऐप्स की परमिशन वगैरह सब सब कुछ कर देना, मतलब यहाँ पे सब कुछ दे देना, ठीक है। मैं फटाफट से गेम ओपन करके तुम्हें मिलता हूँ। तो गाइस जैसे ही तुम 24 घंटे बाद अपना गेम खोल लोगे, फिर तुमको क्या करना है, कुछ भी नहीं छूना आईडी में, ठीक है ना, ग्राफिक्स वाली सेटिंग छूनी है, कुछ भी नहीं छूना है। सिंपल सा तुमको क्या करना है, मेरे थोड़े नेटवर्क कम आ रहे हैं आज, तो भाई थोड़ा मैनेज कर लेना। सिंपल सा तुमको ट्रेनिंग स्टार्ट कर देना है। ट्रेनिंग स्टार्ट करने के बाद तुमको करना है क्या है, जैसे तुम ट्रेनिंग में चले जाओगे, वहाँ पर तुमको एक या दो कोई भी, मतलब जिस, मतलब तुम इस गन स्किन या फिर विदाउट गन स्किन वाली गन से, मतलब M10 वगैरह से एक या दो किल करके बैक करके आ जाना है ट्रेनिंग को। और जैसे ही तुम ट्रेनिंग बैक करके आ जाते हो ना, फिर तुमको कौन सा मोड खेलना है, क्लासिक मोड। तो गाइस फिर तुमको क्या करना है, क्लासिक मोड में जाना है। क्लासिक मोड में जाने के बाद उतरते ही मर जाना है किसी बंदे से, ड्रम फोड़ के वगैरह मत मरना, उतरते ही किसी बंदे से मर जाना है। जैसे ही तुम मर के आ जाओगे, क्लासिक गेम खेलना है, ठीक है, पहले देख ध्यान से सुनना। कभी तुम रैंक गेम खेल के फिर वापस आके बोलो कि भाई नहीं करी वर्क की ट्रिक, ठीक है। तो भाई एक स्टेप अच्छे से अप्लाई करोगे तभी 100% वर्क करने वाली है, ठीक है। तो भाई जैसे तुम खेल के आ जाओगे, फिर तुमको क्या करना है, इवेंट में कहाँ से घुसना है तुमको, ठीक है, न्यू इवेंट वाले सेक्शन से तुमको इवेंट में नहीं जाना है, स्टोर वाले सेक्शन से तुमको इवेंट में जाना है। जैसे तुम स्टोर वाले सेक्शन में चले जाओगे, स्टोर वाले सेक्शन में जाने के बाद क्या करना है तुमको, मतलब यहाँ पे सारे के सारे इवेंट शो होते हैं, ठीक है, जितने भी नए नए इवेंट आते हैं वहाँ पे बंडल शो होते हैं एंड ऑप्टेन वाला ऑप्शन आता है, ठीक है। तो तुमको वहाँ से इवेंट में जाना है, मैं तुमको जाके दिखा देता हूँ। तो गाइस जैसे यहाँ पर तुम इवेंट वाले सेक्शन में आ जाओगे, यहाँ पर तुमको सारे के सारे इमोट दिख रहे होंगे, एंड यहाँ पर जो न्यू इमोट आया है ये भी तुमको दिख रहा होगा, ठीक है, ये दोनों के दोनों इमोट दिख रहे होंगे, मतलब ये वाला भूत वाला इमोट। तो गाइस कुछ नहीं करना है, यहाँ से तुमको सिंपल सा क्लिक करना है परचेज पे। परचेज पे जाने के बाद यहाँ पर क्लिक करना है ऑप्टेन पे, तो ये डायरेक्ट तुमको उस इवेंट में ले जाएगा जो कि चल रहा है, ठीक है, इसका इवेंट। और गाइस अभी तुमको स्पिन कैसे करना है मैं बता देता हूँ। तो गाइस स्पिन तुमको कैसे करना है मैं तुमको बता देता हूँ, सिंपल सी ट्रिक। स्पिन तुमको नॉर्मली बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, मैं तुमको बता देता हूँ, एक मिनट रुको, खुल जाने दो गाइस पहले इवेंट को। तो गाइस अभी जैसे ही तुम यहाँ पर इवेंट में आ जाओगे, तुमको करना कैसे है स्पिन मैं तुमको बता देता हूँ। सबसे पहले तुमको क्या करना है, मेरे पास तो यहाँ पर 6 डायमंड है, तुम्हारे पास 500-600 जितने भी डायमंड होंगे वो होंगे। फिर तुमको क्या करना है, प्राइस लिस्ट पे एक बार क्लिक करना है, ठीक है। प्राइस लिस्ट पे जैसे तुम क्लिक करोगे तो यहाँ पर तुमको सारे के सारे इमोट बने हुए आएंगे, जो तुमको इमोट चाहिए उस पर तुमको ऐसे इस तरीके से क्लिक करना है, ठीक है, 5 से 6 बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्या करना है, फिर तुमको स्पिन करना है सबसे पहले 19 का, ये मत करना भाई 99 वाला कर दो, सबसे पहले एक बार 19 वाले पे दबाना है, स्पिन करना नहीं है, कट कर देना है, कर देना, फिर दोबारा से स्पिन पे क्लिक करना है, फिर दोबारा से कट कर देना, फिर दोबारा से दोबारा, फिर तुमको इस तरीके से 10 बार करना है, ठीक है, 10 बार इस तरीके से 10 बार करना है। फिर तुमको क्या करना है, सिंपल सा एक 19 वाला स्पिन मार देना सबसे पहले, फिर तुमको क्या करना है, फिर यहाँ पर तुमको स्पिन करना है 99 वाला, ठीक है, 99 वाले दो स्पिन करने हैं तुमको, दो स्पिन में तुम्हारा कुछ ना कुछ रेयर आइटम निकल गया तो ठीक है, नहीं निकला तो फिर तुमको दो स्पिन 99 वाले करने हैं, ठीक है, 19 वाले स्पिन। तो भाई फिर तुमको क्या करना है, सारे के सारे 99 वाले मतलब 99 वाले स्पिन करने, ठीक है। तो भाई अगर तुम इस तरीके से स्पिन करोगे तो भाई मैं बोलता हूँ गाइस 1000 डायमंड के अंदर तुम्हारा ये इवेंट निकल के आ जाएगा। इसमें से तुमको 2 या 3 इमोट जरूर मिल जाएंगे, ठीक है, इनमें से रेयर इमोट 2 या 3 तुमको जरूर मिल जाएंगे। भाई मैं तुमको बोल रहा हूँ गाइस, मैंने बहुत सारी चीज़ें इसी इवेंट से निकाले हैं, क्योंकि जो वेब वाले जो इवेंट होते हैं ना, ये जो वेब वाले इवेंट होते हैं ये सारे के सारे, इनका मेरे को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है भाई, ये मैंने बहुत ज़्यादा कंप्लीट करे हैं, ठीक है। पहले भाई मैं भी वीकली जिंदा हूँ भाई, क्योंकि मैं टॉपअप वगैरह बहुत कम करता हूँ, ठीक है, तुमको भी पता है। एंड बस गाइज यही है, एंड इतना ज़्यादा कलेक्शन जो मैंने बनाया अपनी आईडी में वो सारा फ्री का ही बनाया है। एंड गाइज बस यही था, और इस ट्रिक को यूज़ करो, मैं तो यही बोलता हूँ, अगर तुम्हारे पास डायमंड वगैरह की कमी रहती है तो भाई इस ट्रिक को यूज़ करो एंड फुल फ़ायदा उठाओ इस ट्रिक का। एंड बस यही था गाइज आज की, चलो इस वीडियो में, एंड चलो गाइज मैं मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लाइक जरूर से करके जाना, सब्सक्राइब भी।